बाकी के खेले तो अच्छा रहेगा। सूर्य कुमार यादव ने अच्छी कोशिश की, विराट कोहली ने अच्छी कोशिश की, लेकिन एक दूसरे की ये बात नहीं है। ये बात पूरे जो हमारा जो स्ट्रेंथ है बल्लेबाजी का, वो एक से लेके छः तक, ये छः के छः बल्लेबाजों को यही काम करना होगा कि जो सेट होता है उसको आखिर तक खेलना पड़ेगा उसको। और अभी तक जितने भी मैचेस हुए उनमें तस्कीन अहमद का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है जुलन, तो वो सबसे पहला चैलेंज अब फील्डिंग, क्योंकि बांग्लादेश ने लिए भारतीय बैट्समैन के सामने। डेफिनेटली उनका फ्रंटलाइन बॉलर है एंड इस कंडीशन में उनके बॉलिंग शूट करते हैं बिकॉज वो सामने से स्विंग कराता है, इन स्विंग बॉलर है एंड गति भी है उनके पास। सो डेफिनेटली इनिशियली आपको उनको थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा, उसके बाद आप काउंटर अटैक कर सकते हो। बट अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर, जो सर ने बताया केएल राहुल का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आपको वहाँ जाके आपको 5-6 बॉल, आप 7 बॉल 8 बॉल आपको टाइम करना पड़ेगा, टाइम बिताना पड़ेगा एंड आप सिर्फ लेग स्टंप पे शॉट खेल रहे हो, आप लेग स्टंप पे बॉडी का शेप बना के मारना चाहते हो, आप ऑफ स्टंप पे खेल ही नहीं रहे हो, आपको ऑफ स्टंप के बॉल भी आपको खेलना पड़ेगा। ये जो टाइम बिताने की आपने बात की ना, इस पर मैं संदीप आपसे भी जानना चाहूंगा, टाइम बिताने की हम पिछली बार भी बात कर रहे थे तो हमारे बैट्समैन ने टाइम ऐसा बिताया कि वो टाइम ही बिता गया। पहला ओवर ड्रेसिंग रूम में ज्यादा बिताया नहीं, पहला ओवर मेडन खेल गए और सिंगल्स और टूज जो हैं इस पूरे टूर्नामेंट में हमारे बैट्समैन ने काफी कम ली है बाकी टीम्स के मुकाबले। बिल्कुल, और इसके ऊपर बात होनी चाहिए, उसके ऊपर सोचना चाहिए, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। इस बीच में बता दूं कि वही चेंज है जो आप बता रहे थे, हुडा बाहर अक्षर पटेल इन। जी गुड चेंज, और मैं चाहता हूँ कि ये ही टीम आखिर तक खेले, क्योंकि एक सेटल लुक होना बहुत जरूरी है। जो गलतियाँ हुई है आपने जिक्र किया था कि मैदान के ऊपर पिच के ऊपर ये समय नहीं बिताते, समय बिताने के बजाय जिस तरह से उनका शॉट सिलेक्शन रहा है जी, गलतियां सिर्फ रनआउट और अच्छे शॉट खेले आउट होने से नहीं होती है, यू नो गलतियां बहुत तरह की होती है। ये सिंगल जो टूज क्यों नहीं ले रहे हैं ये लोग अभी, ये तो ये खुद जानते, इतना T20 खेल चुके हैं ये तो खुद जाने, रोहित शर्मा जाने, हमारे कप्तान है। उसके साथ एक और चीज है, क्योंकि हम पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर पाए, अपार्ट फ्रॉम दैट विराट कोहली भी नहीं कर पाए, सूर्य कुमार यादव एंड दिनेश कार्तिक का जब पार्टनरशिप बन रहा था लग रहा था हाँ थोड़ा बहुत चलेगा, उसी टाइम गलत शॉट खेल गए दिनेश कार्तिक। आई थिंक वो पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हो रहा था एंड सेकेंडली दे बोल्ड रियली वेल दैट मैच, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू साउथ अफ्रीकन बोलर्स बिकॉज दिस इज द डिफरेंट मैच, डिफरेंट बॉल गेम। साउथ अफ्रीका हो चाहे दूसरे मैचेस हो, सिंगल्स एंड टूज उतनी है, रोटेटिंग का स्ट्राइक उतना नहीं हो रहा। विराट ने बहुत लिया है, पहला मैच में पाकिस्तान के साथ आप जब हार्दिक पांडे एंड विराट बैटिंग कर रहे थे उसमें काफी टूज थे, काफी थ्रीज था, सिंगल्स था, टैप एंड रन बहुत चल रहा था, स्कोरबोर्ड वॉज मूविंग। पिछले मैच में क्या हुआ, बिकॉज आप इतना ज्यादा विकेट चले गए एक साथ, विकेट जाते हैं बट एक साथ 2-3 अगर चले जाए तो आपको ना पूरा जो आपका प्लान है ना उसको फिर आपको बिल्ड करना पड़ता है, फिर से आपको नया सोच लेकर आना पड़ता है कैसे आप बिल्ड कर सकते हो, वहाँ पे एक मिस आउट था। बट अगेन इस ग्राउंड के सबसे इंपॉर्टेंट है आपको राइट एरिया पे भी बॉल डालना है, क्योंकि ग्राउंड पे आप हार्ड लेन पे बॉल डाल नहीं सकते क्योंकि आपका स्क्वायर ऑफ द विकेट छोटा है, आपको सामने बॉल डालना है, जो बॉल आप टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप जाके लगे जो आप सामने मारने दो बैटर्स को, जो आपका प्रोटेक्शन रह सकता है। अगर आप अगर हार्ड लेन बॉल डालोगे इस विकेट में तो आपको फिर रन ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि ये टेक्निकल एरियाज है डेफिनेटली, इंडियन टीम में बॉलिंग कोच ने बताया होगा एंड एट द सेम टाइम बैटर भी आपको चूज करना पड़ेगा, आप साइड स्क्वायर ऑफ द विकेट अगर आपको मिले यू जस्ट गो फॉर इट क्योंकि आपको ज़्यादा रन मिल सकता है। चलिए फिर अमृत के पास चलते हैं। अमृत, तो अब ये एडवांटेज तो बांग्लादेश ने ले लिया टॉस जीतकर बाद में बैटिंग करके, यानी अगर कुछ बारिश का थोड़ा सा भी अंदेशा हुआ तो उनको आइडिया ज्यादा रहेगा कि क्या टारगेट है। किशोर बिल्कुल, ये थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है इस तरह के मौसम में, अगर वेदर चेंज होता है, बारिश होती है तो फिर थोड़ा सा एडवांटेज रहता है, लेकिन ये हमें भी पता है कि हाँ जब राहुल द्रविड़ सर ने पूछा टॉस का इम्पैक्ट क्या होगा तो उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, हमारे पास प्लान ए प्लान बी प्लान सी सब रेडी है, वो हम देखेंगे कि हमें कितना मौका मिलता है। अब क्या बारिश क्या, हम पहले पावर प्ले बहुत क्रूशियल किशोर, 6 ओवर में हमें कुछ रन बनाने पड़ेंगे इस बार बोर्ड में, क्योंकि अगर कल को बाद में डकवर्थ लुईस लगता है तो ये 5-6 ओवर के रन जो होते हैं ना ये बहुत मैटर करते हैं। तो आज सब कुछ मैं कहूंगा कि ओपनिंग जोड़ी पर डिपेंडेंट है, रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, विराट कोहली, स्काई, सूर्य कुमार यादव, ये स्टार्ट कैसे देते हैं टीम इंडिया को, क्योंकि बारिश का वेदर बनता जा रहा है, बादल, पंकज कैमरा अगर पैन करें आप तो आप देखेंगे कि पूरा बादल छा चुका है साफ तौर पर, ये कभी भी बारिश हो सकती है ऐसा अनुमान अब फोरकास्ट के,
टाइम के अकॉर्डिंग किशोर लगाया जा रहा है कि कभी भी बारिश अगले आधे घंटे में हो सकती है, लेकिन मैच उससे बहुत ज्यादा हैम्पर नहीं होगा, बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अगर ओवर कटा या फिर डकवर्थ लुईस का भी नौबत आया तो ये भारतीय टीम को, कप्तान को, कोच को आप पॉइंट है अमृत। तो ये मौसम संदीप देख के, मौसम देख के तो ये बादल देख के तो कुछ अच्छी फीलिंग नहीं हो रही है। नहीं देखिए, जैसा अनुमान लगाया गया है कि कभी भी बरसात हो सकती है और इसीलिए बहुत जरूरी है, जैसे अमृत ने कहा, मैं सहमत हूँ इससे, क्योंकि हर ओवर इम्पोर्टेंट है। जब डकवर्थ लुईस का ये आता है बीच में तो हर ओवर मायने रखती है, क्योंकि कम से कम आपको 5 ओवर करने ही पड़ते हैं, और जो 5 ओवर अगर उनको सिर्फ 5 ओवर, यानी जब भारत पहले बैटिंग करने आएगा तो सेटल होने का उतना टाइम नहीं होने वाला। सेटल होना पड़ेगा, लेकिन सेटल होते होते रन भी बनाने पड़ेंगे, तो वो दोहरा काम उनको करना पड़ेगा। टाइम कम है, 120 बॉल का गेम है, आप सेटल होने का टाइम बहुत मिनिमम है, तो आपको विकेट भी सेव करना है, रन भी बनाना है, आपका सेटल भी होना है, सब काम एक साथ करना है 120 बॉल के अंदर। सो इट्स अ चैलेंज फॉर बैटर्स, बिकॉज जब फर्स्ट 6 ओवर्स में आपको रन बनाना है, ऐसे कंडीशन है जहाँ पे बोलर्स को फेवर करेंगे, सिम बोलर्स को, तो इट्स अ चैलेंज, एंड हाउ यू एक्सेप्ट दोस चैलेंज एंड काउंटर देम, दैट्स गोइंग टू बी द की इन दिस मैच। तो वंडी केएल राहुल के लिए सारे चैलेंजेस एक साथ आ गए हैं, अब उनके ऊपर सब की नज़र, उनके ऊपर सारे सवाल, उनको भी ये तो पता चली गया होगा कि उनके ऊपर सारी दुनिया ये देखने के लिए बैठी कि आज केएल राहुल क्या करते हैं। उसके बाद अब बैटिंग पहले आ गई है, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, ये सारा प्रेशर उनके ऊपर। आई थिंक काफ़ी प्रेशर है केएल राहुल के ऊपर, एंड आई थिंक जिस तरीके से वो बैटिंग भी की है लास्ट 3-4 गेम्स में, उम्मीद यही है ये गेम में अच्छे खेल पाएंगे। आई थिंक राहुल द्रविड़ को भी यही वो चाहेंगे, बिकॉज एक चीज़ है भारत के लिए ना, 7 वो बैट्समैन है, सब इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं ना, अच्छे फॉर्म में आने चाहिए बिफोर द सेमीफाइनल, एंड यू नो केएल राहुल जैसे विराट कोहली पहुंचना भी तो चाहिए ना, इतनी तैयारी हम सेमीफाइनल की कर ले। लुक, जो बांग्लादेश के साथ आप जीत नहीं सकते हो, फिर यू नो वर्ल्ड कप कैसे जीतोगे, ये तो रिकॉर्ड ही बड़ा अच्छा है बांग्लादेश के खिलाफ। सो अच्छी कोई जोड़ी बननी चाहिए किसी की बैटिंग पार्टनरशिप, एंड आई थिंक केएल राहुल को ये भी समझना चाहिए दैट वो रोहित शर्मा के ऊपर कितना प्रेशर पाते हैं, फिर वो अटैकिंग शॉट खेलेंगे आउट हो जाते हैं। सो ये थोड़ी सी आई थिंक विराट कोहली ने बात तो की है प्रैक्टिस के लिए, वो उन सब यही देखेंगे केएल राहुल कैसे एडजस्ट होते हैं, एंड अच्छे फ्लो में आना चाहिए। यू नो हमको मालूम है दैट बिफोर द T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के साथ 250 स्कोर किए, ऑस्ट्रेलिया वार्म अप गेम वो भी अच्छा 50 स्कोर किया था। सो अब उम्मीद यही है आज केएल राहुल का दिन होए एंड भारत अच्छी तरह से बैटिंग करे, बिकॉज हम कोई टाइट गेम नहीं चाहते,